डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। और अपने करियर को सुदृढ़ स्ट्रांग बनाने के लिए आगामी एग्जामिनेशंस की दमदार तैयारियां आप लोग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस श्रृंखला में एक और इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। CAPF दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट के 209 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। यस स्टूडेंट्स, यू हर्ड इट राइट। UPSC द्वारा जारी किए गए एग्जामिनेशन कैलेंडर के अनुसार असिस्टेंट कमांडेंट के इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी 20 अप्रैल से। 20 अप्रैल को UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और ऑनलाइन आवेदन भी 20 अप्रैल 2022 से शुरू होकर के दिनांक 10 मई 2022 तक जारी रहेंगे। आइए समझते हैं इस विज्ञप्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में एक एपेक्स बॉडी है, जो कि इंडिया में बहुत ही रिनाउंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम इन्हीं में से एक एग्जाम है। एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बताया 209 है। एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा अगेन ऑनलाइन मोड में। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि जज करेगा आपकी GK लैंग्वेज मैथमेटिक्स स्किल्स को, और इन स्किल्स को जज करने के बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 20/4/2022 से और जारी रहेंगे 10 मई 2022 तक। एग्जामिनेशन के लिए डेट निर्धारित की गई है 7 अगस्त 2022। यदि इस भर्ती प्रक्रिया में आप भाग लेना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री यानी कि स्नातक की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से, फिर चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो। आपकी एज होनी चाहिए 1 अगस्त 2022 को 20 से 25 साल के बीच में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2002 के बीच में होना चाहिए। एंड अनदर पीस ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया को कुछ चरणों में आयोजित किया जाएगा। आइए डिटेल में समझते हैं पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। पहला स्टेप है रिटन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद लिया जाएगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के तहत मेल कैंडिडेट्स की न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 157 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। वेट बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के तहत 100 मीटर का रन है, जिसके लिए समय दिया जाएगा आपको पुरुष अभ्यर्थियों को 16 सेकेंड और महिला अभ्यर्थियों को 18 सेकेंड। 800 मीटर दौड़ के लिए 3 मिनट 45 सेकेंड मेल कैंडिडेट्स के लिए और 4 मिनट 45 सेकेंड्स का समय निर्धारित किया गया है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। 3.5 मीटर का लॉन्ग जंप पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और 3 मीटर का लॉन्ग जंप फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जिसके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। एंड फाइनली मेल कैंडिडेट्स के लिए 7.26 केजी के शॉटपुट से 4.5 मीटर का थ्रो आवश्यक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करने के बाद लिया जाएगा आपका इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट, और फाइनली इनके आधार पर जारी की जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। सो स्टूडेंट्स, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम की बेहतरीन दमदार तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। ऐप के यूनिक फीचर्स देते हैं आपको दमदार तैयारी और आपकी तैयारियों को एक नई दिशा और आयाम। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद।